अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv और मैं हूं रवि शर्मा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच यूपी के बागपत जनपद में मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना संक्रमित मृदों के कफन का व्यापार कर रहे थे। ऐसा कर वे कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जो शमशान घाट व कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन व कपड़े चोरी करता था और उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देता था, जिसके बाद खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर महंगे दामों पर उन्हें बेच देते थे। हमारी सहयोगी अंजू चौधरी ने बताया कि बागपत जनपद की बड़ौत कोतवाली पुलिस ने ऐसे 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के इन लोगों का काम व्यापारियों को चोरी के कफन और कपड़े पहुंचाने का होता था। इसके बाद खरीदने वाले व्यापारी उन पर बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टिकर चिपकाकर उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने ऐसे व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया है। कफन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रवीण जैन, आशीष जैन, सौरान शर्मा, ऋषभ जैन, राजू शर्मा, बबलू व शाहरुख खान शामिल हैं। इनके पास से 520 मुर्दों की चादर, 127 कुर्ते, 140 सफ़ेद कमीज समेत महिलाओं के भी कपड़े बरामद हुए हैं। इनमें कोरोना संक्रमित मुर्दों के कपड़े और कफन भी शामिल हैं। इस बारे में सीओ सिटी बड़ौत आलोक कुमार ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट को दी। देखिए, थाना बड़ौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुरा कर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या ये कोरोना जो मरीज जाते हैं उनके भी कपड़े? ये जो भी शमशान में शवदाह के लिए जा रहे हैं वहाँ सभी के कपड़े ये इस तरीके से करके नए करके बेचते हैं धोखे। किस तरीके से पता लगा है? पुलिस को काफ़ी दिनों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कितने कपड़े से बरामद? इनसे काफ़ी मात्रा में चादरें, पुरुष महिलाओं के कपड़े और गर्म शॉल और कई बंडल बरामद हुए हैं। इनकी पूरी दुकान की तलाशी ली जा रही है और दुकान को जब तक सील किया गया है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।